नमस्कार दोस्तों, AllyLearn के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। इंटरपोलेशन के अंदर आज हम बात करेंगे लैग्रांज इंटरपोलेशन की। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंटरपोलेशन होता क्या है। सपोज वी हैव गिवन सम सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स। डाटा पॉइंट्स का मतलब मुझे कुछ पॉइंट्स पर वैल्यू दी हुई है। जैसे मानिए x0, x1, x2 अप टू xn, ये n+1 पॉइंट्स हैं। इन पर मुझे एक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, दैट इज fx0, fx1, fx2 एंड दिस इज fxn। इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे, या इन पॉइंट्स को मैं कहूं हम ट्रीट कर सकते हैं ऑन x एक्सिस, दैट इज ऑन एप्सिसा, और फंक्शंस की वैल्यू को ट्रीट कर सकते हैं ऑन y एक्सिस, दैट इज ऑन ऑर्डिनेट। सो हमें ये कुछ पॉइंट्स पर वैल्यू दी हुई है। अब इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के अलावा मुझे किसी इंटरमीडिएट पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। सपोज यहां पर मुझे कुछ इस टाइप से वैल्यू दी हुई है। मेरे पास 4 डाटा पॉइंट्स हैं और यहां पर कुछ फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 2, 9, 15, 20। these are our xi's and these are our fxi। और मैं आपको बोलूं कि आप मुझे यहां पर वैल्यू निकाल के बताइए, when x equal to 2 find the value of fx when x equal to 2। for this we will apply interpolation। इंटरपोलेशन का मतलब क्या हुआ, ऐसी पॉइंट पर वैल्यू निकालना जिस पर मुझे वैल्यू गिवन ना हो, और एक सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स को यूज करना उस वैल्यू को निकालने के लिए। दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। इनवर्स इंटरपोलेशन भी होता है। सपोज मैं आपको यहां पर फंक्शन की वैल्यू दे दूं, यहां पर फंक्शन की वैल्यू 10 है, तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग xi बताइए क्या होगा। दिस इज इनवर्स इंटरपोलेशन। तो फ्रेंड्स, इंटरपोलेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो इन डाटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता हो, यानी कि जिसकी वैल्यू x0 पर fx0 के बराबर हो, x1 पे fx1 के बराबर हो, xn पे fxn के बराबर हो। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल को क्या बोलूंगा मैं, pnx satisfying the following, that is Pn xi is equal to f xi for all i is equal to 0, 1, 2, n। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मुझे एक पॉलिनोमियल बनाना है। अगर मुझे पॉलिनोमियल मिल गया तो मैं उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अननोन पॉइंट्स पर भी निकाल सकता हूं, जिसको हम इंटरपोलेशन बोलेंगे या इंटरपोलेटिंग वैल्यू बोल देंगे। This polynomial Pnx is called the interpolating polynomial। इस polynomial को हम interpolating polynomial बोलते हैं, और जो ये condition है हमारी, this condition number 1, this is known as interpolating condition। So this is how we are going to construct interpolating polynomial, a polynomial satisfying values at these data points। अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहां पर जानने जा रहे हैं इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या है, जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी कि आप कोई भी मेथड से एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालिए, वो सारे सेम होंगे। आप चाहे लैग्रांज मेथड लगाइए, चाहे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड लगाइए, हो सकता है वो पॉलिनोमियल देखने में अलग हों ड्यू टू देयर प्रोसेस, बट आप उनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वे सारे पॉलिनोमियल सेम ही दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स आर यूनिक। एक सेट ऑफ डाटा पॉइंट के लिए जो पॉलिनोमियल आएगा वो यूनिक होगा, चाहे आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें। सेकंड इंपॉर्टेंट नोट, सपोज आई हैव गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यहां पर मुझे x0 और x1 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैं इन 2 पॉइंट की हेल्प से एक यूनिक पॉलिनोमियल बना सकता हूं डिग्री 1 का। अगर आपको 2 पॉइंट दिए होंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी दिस विल बी व्हाट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, लीनियर है ये, तो मैं इसे बोल सकता हूं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन. सो थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वी कैन कंस्ट्रक्ट अ यूनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन. अब ऐसे ही मुझे दो से ज्यादा पॉइंट्स दे हो तब क्या होगा. सपोज आई हैव गिवन थ्री पॉइंट्स, थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मुझे दिए हुए हैं, तो मैं यहां से एक पैराबोला जनरेट कर सकता हूं लाइक दिस. और अगर ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में हो तो एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं. तो तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट से आइदर आई कैन कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू और अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन. ये क्या हुआ, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू and this is a polynomial of degree 1. So through three distinct points we can construct a unique polynomial of degree less than equal to 2. अगर मैं इसी बात को जनरलाइज करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं n+1 डाटा पॉइंट से एक यूनिक पॉलिनोमियल बना सकता हूं डिग्री लेस देन इक्वल टू n का. This is the important point. Through n+1 distinct points, we can construct a unique polynomial of degree less than equal to n. So students, अब यहाँ पर आप एक important चीज नोट कीजिए, जो यहाँ पर मैंने डाटा पॉइंट्स लिए ये evenly spaced हो सकते हैं. इवनली स्पेस कहने का मतलब इनके बीच का गैप जो होगा वो सेम होगा, या अनइवन हो सकते हैं जैसे मैंने यहां पर इस एग्जांपल में दिखाया. भाई पहले पॉइंट क्या है, जीरो, दूसरा वन, तो जीरो और वन के बीच में डिफरेंस कितना है, वन का. वन और फोर के बीच में डिफरेंस कितना है, थ्री का. दिस इज अनइवनली स्पेस्ड पॉइंट्स. तो सबसे पहले हम इंटरपोलेशन सीखेंगे अनइवनली स्पेस्ड पॉइंट्स की. अनइवनली स्पेस पॉइंट की इंटरपोलेशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, लैग्रांज इंटरपोलेशन, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरपोलेशन विद अनइवनली स्पेस्ड पॉइंट्स एंड फॉर दिस वी हैव टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज लैग्रांज इंटरपोलेशन जिसकी हम आज बात करेंगे, एंड सेकेंड वन इज Newton's divided difference method, Newton's divided difference interpolation. So let's start with Lagrange interpolation. So once again, suppose that we have given a set of data points x0, x1, x2, xn. मेरे को n+1 पॉइंट्स गिवन है और उन पर मुझे फंक्शन की वैल्यू दी हुई है. अब देखिए लैग्रांज इंटरपोलेशन की हेल्प से मैं क्या करूंगा, एक पॉलिनोमियल जनरेट करूंगा जो इस डाटा पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा. So we will construct a polynomial p and x. अब देखिए ये polynomial कैसे बनेगा. This polynomial will is equal to l0x fx0 plus l1x fx1 and lnx fxn. अब देखिए डाटा पॉइंट्स कितने हैं मेरे पास, n+1. तो प्रीवियस रिमार्क के हिसाब से जो मेरा पॉलिनोमियल बनेगा वो डिग्री लेस देन इक्वल टू एन का बनेगा. तो चलिए इस पॉलिनोमियल को बनाते हैं. ये हमें लैग्रांज इंटरपोलेशन जो है ये फॉर्मूला देता है इस पॉलिनोमियल को जनरेट करने का. जो यहाँ पर एलाइज हैं वो देखिए क्या है, वेयर एल आई एक्स इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन. देखिए यहाँ पर ith निकाल रहा हूं मैं, तो ith के लिए क्या करेंगे हम, ith xi को हटा देंगे, यानी कि x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, ये कहाँ तक जाएगा, i माइनस वन तक जाएगा और उसके बाद i प्लस वन से स्टार्ट होगा, देन x माइनस एक्स एन तक जाएगा. हमने क्या किया, ith xith हटा दिया इसमें से. नीचे भी हम यही करेंगे, नीचे सारे x नॉट एक्स वन को हम xi से माइनस करेंगे, xi माइनस एक्स नॉट, xi माइनस एक्स वन. वंस अगेन हम ith xi को हटा देंगे, यानी कि xi को हटा देंगे क्योंकि xi माइनस एक्स आई तो वैसे भी जीरो बना देगा. सो वी नीड टू रिमूव दिस. दिस इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आप एक बार में इसको याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा ये। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट दिस। अब देखिए f(x0) की वैल्यू तो मेरे को पता है, f(x1) की पता है, f(xn) की पता है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू यहां से आएगी। तो ये पॉलिनोमियल देखिए कितने टर्म्स हैं, इसमें n टर्म्स हैं क्योंकि इसमें ith वाला हटाया है हमने, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री n होगी। जितने भी li होंगे मेरे ये n डिग्री के बनेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है डिग्री कम भी हो सकती है, डिग्री कम होने पर हमें कम डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, और डिग्री n ही मेंटेन करती है तो n डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। दिस pnx is called Lagrange interpolating polynomial, and this lix is called Lagrange fundamental polynomial। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, यानी कि pnx0 जो है वो fx0 के इक्वल होना चाहिए। ऐसा होने के लिए क्या होगा, जब मैं x0 पे वैल्यू निकालूंगा तो जो L1x0 है वो जीरो होना चाहिए, L2x0 जीरो होना चाहिए, और ये सारे जीरो होना चाहिए। तो आप देखिए जब I की जगह मैं नॉट रखता हूं तो L0x क्या आएगा, L0x विल बी व्हाट, x माइनस x1 से स्टार्ट होगा और पूरा x माइनस xn तक जाएगा, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1 अप टू x0 माइनस xn। मुझे x0 वाली टर्म हटानी है, वो मैंने सबसे आगे से हटा दी है। अब देखिए, अब मैं L0 अगर x0 कैलकुलेट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, x0 माइनस x1, ऊपर वाले में सारे x की जगह x0 आ जाएगा और नीचे तो पहले से ही है, तो दोनों कैंसिल होके 1 मिल जाएगा। और जब L0 x i निकालता हूं वेयर i इज नॉट इक्वल टू 0 एंड i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, i 0 नहीं है, i एक्स आई क्या हो सकता है मेरा, x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है। तो x1 पुट करूंगा तो ऊपर यहां पर जीरो बना देगा, x2 पुट करूंगा तो सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगी, xn पुट करूंगा तो लास्ट टर्म जीरो हो जाएगी। तो फॉर ऑल दिस वी हैव दिस इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, x0 वैल्यू पे इसको 1 बना रहा है, x1 वैल्यू पे इसको 1 बना रहा है, रिमेनिंग को 0 बना रहा है, xn वैल्यू पे इसको 1 बना रहा है, रिमेनिंग को 0 बना रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो मेरी कंडीशन थी pnxi शुड इक्वल टू fxi, इस कंडीशन को ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर जाएगा, बिकॉज li xj इज इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j एंड दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन i इज इक्वल टू j। इसको मैंने जस्ट जनरलाइज कर दिया है। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप क्वेश्चन तब भी कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर एग्जांपल। कंस्ट्रक्ट द लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर द डाटा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, x और fx की वैल्यू दी हुई है। व्हेन x इज -1 fx इज -2, x इज 1 fx इज 0, x इज 4 fx इज 63 and x is 7 fx is 342। तो ये डाटा पॉइंट्स मेरे अनइवनली हैं, आप देख सकते हैं। अब मुझे इंटरपोलेट करनी है वैल्यू एट x इक्वल टू 5, हैंस इंटरपोलेट एट x इक्वल टू 5। देखिए इसमें दो काम करने हैं, पहले मुझे लैग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल बना के दिखाना है और उसके बाद मुझे इंटरपोलेशन लगा के ये वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 5 पे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा पॉइंट्स काउंट करेंगे। कितने डाटा पॉइंट्स हैं यहाँ पर, x0, x1, x2, x3, तो 4 डाटा पॉइंट्स हैं। दिस इज x0, x1, x2, x3। तो जो हमारा फॉर्मूला था उसको देखते हैं। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, pnx शुड इक्वल टू l0x fx0, l1x fx1, l2x fx2 एंड l3x fx3। 4 पॉइंट से तो 4 तक जाएगा और जो एलाइज होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे। जस्ट आई एम पेस्टिंग दिस। n की जगह पे क्या आ जाएगा, 3, बिकॉज वी हैव x0 x1 x2 x3। सो p3x इज इक्वल टू l0x fx0, l1x f(x1), L2x, f(x2) and L3x, f(x3). तो मुझे L0, L1, L2, L3 ये चारों निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं। L0 x के लिए देखिए क्या करना है, x0 को हटाना है। तो यानी कि कहाँ से शुरू करूंगा, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 एंड x0 माइनस x3। सो वैल्यूज पुट करते हैं। x1 क्या है 1, तो x माइनस 1, x2 क्या है 4, x3 क्या है 7 एंड x0 इज माइनस 1, तो माइनस 1, x1 इज 1, सो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 7। बहुत सिंपल है। L0 x निकालने में x0 को हटा दीजिए और नीचे x0 से माइनस कर दीजिए, बस x की जगह x0 लिखा है। इसको जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट माइनस 1/80 x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28। अब मैं L1x बना रहा हूं। इसमें क्या करेंगे, x1 को हटा देंगे, x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x माइनस x0, x0 इज माइनस 1 सो इट विल बिकम प्लस 1, x माइनस x2, x2 मेरा 4 है, x माइनस 4 एंड देन x3 इज 7, दिस इज डिवाइडेड बाय x1 इज 1, तो 1 से माइनस कर दीजिए, 1 प्लस 1, 1 माइनस 4, 1 माइनस 7। तो इसको सॉल्व करेंगे we will get 1/36 x³ minus 10x² plus 17x plus 28. Next one is our L2x. This is what, x minus x0, x minus x1, x minus x3. x2 की टर्म हट जाएगी अब एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा x2 minus x0, x2 minus x1, x2 minus x3. So let us put the values. x0 क्या था माइनस 1, x1 है 1 एंड x3 है 7, x2 इज 4, तो नीचे आ जाएगा 4 प्लस 1, 4 माइनस 0, 4 माइनस 7, दिस इज 1 एक्चुअली। तो इसको जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट माइनस 1/45 एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 7। Now our last term is L3x. ये हो जाएगा x minus x0, x minus x1 and x minus x2. This is divided by x3 minus x0, x3 minus x1, x3 minus x2. So it will be what? x plus 1, x minus 1, x minus 4, and this is x3 is what, 7, 7 plus 1, 7 minus 1, 7 minus 4. तो इसको सॉल्व करेंगे we will get 1/144 x cube minus 4x square minus x plus 4. So this is how we can calculate our LIs. अब polynomial generate करते हैं. So we will have the Lagrange interpolation polynomial is given by P3x is equal to L0x fx0, L1x fx1, L2x fx2 and L3x fx3. So students, ये था मेरा L0x, इसकी वैल्यू डालता हूँ माइनस 1/80 x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28. fx0 देखते हैं क्या था, fx0 था माइनस 2, सो लेट अस पुट माइनस 2 हेयर, माइनस 2 प्लस L1x, ये L1x है 1/36 x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 28. fx1 की वैल्यू है 0, सो इट विल बी 0 हेयर, प्लस L2x is minus 1 over 45 x cube minus 7x square minus x plus 7 and function की वैल्यू क्या है 63, so this is 63 plus last one is L3 1 over 144 x cube minus 4x square minus x plus 4 और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है 342. इसमें कैलकुलेशन काफी होंगी स्टूडेंट्स. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट अ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 1. तो हमें यहाँ पर डिग्री 3 का पॉलिनोमियल मिला है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 1. अब मुझे देखिए क्या निकालना था, इंटरपोलेट करनी थी वैल्यू 5 पे, यानी कि मुझे F5 निकालना है. सो F5 is equal to P35. It will be what? 5Q minus 1. It will be 124. So this is very simple. Students, अगर आपको किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालने को बोले और इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट नहीं करना हो तो आप यहाँ पर सीधा वैल्यू निकालिए, वो बहुत सिंपल हो जाएगा. यहाँ पर आप सीधा L05 निकालिए, x की जगह पे 5 रख के. तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सीधा सब्ट्रैक्ट करना है और आपको सीधा वैल्यू मिल जाएगी. वो बहुत इजी होगा करना, लेकिन अगर एग्जाम में साफ साफ लिखता है कि आपको पहले पॉलिनोमियल बनाना है और फिर इंटरपोलेशन लगाना है, तो आपको पहले पॉलिनोमियल बनाना ही पड़ेगा. ये सारा काम आपको करना पड़ेगा. तो आप ये क्वेश्चन के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू निकालना एक पॉइंट पर बहुत आसान है अगर पॉलिनोमियल ना बनाना हो. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. हो सकता है पॉलिनोमियल ना बनाना हो और आप पॉलिनोमियल बना दें तो वो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा. आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 5 पर वैल्यू निकालनी है तो आप L05, L15, L25, L35 निकालिए और सीधा P35 निकालिए, x का चक्कर ही हटा दीजिए. सो दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल. ये हमने मैथड जो सीखा ये लैग्रांज इंटरपोलेशन मैथड है. अब देखिए इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. सपोज कीजिए मेरे पास 100 डाटा पॉइंट्स हैं, तो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल क्या बनेगा, 99 और लेस डिग्री का बनेगा. लेकिन जब मैं कैलकुलेशन करता हूं मेरी सारी हायर पावर्स कैंसिल हो जाती हैं और मुझे एक पॉलिनोमियल मिलता है डिग्री 1 का, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. तो क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में मैंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की और लास्टली मुझे एक बहुत ही सिंपल पॉलिनोमियल मिला, क्योंकि 100 के 100 डाटा पॉइंट्स एक लाइन पर थे तो डिग्री 1 का ही पॉलिनोमियल मिलना था. बट इस मेथड को यूज़ करने से मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी. सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, कि अगर आपका पॉलिनोमियल बहुत सिंपल भी है तो भी आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, वो लास्ट में आके कैंसिल आउट होती हैं और बाद में आपको पॉलिनोमियल जनरेट होता है. सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड. सो वी आर गोइंग टू राइट दिस डिसएडवांटेजेस ऑफ लैग्रांज इंटरपोलेशन. इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू कलेक्ट एंड सिंप्लीफाई द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सआईज. तो सारे एक्स आई यानी एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स की पावर एन, इन सब के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करना और उनको सॉल्व करना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत डिफिकल्ट भी है. और इनफैक्ट जैसे मैंने पहले बताया, अगर पॉलिनोमियल सिंपल भी मिलना है तब भी ये बहुत ज़्यादा काम हमसे करवा लेगा. ये एक डिसएडवांटेज हुआ. एक और इसका डिसएडवांटेज है, सपोज कीजिए हमारे पास ये 4 डाटा पॉइंट्स गिवन हैं. अब मैंने एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 1. ये मेरा पॉलिनोमियल आ गया है एक्स क्यूब माइनस 1. अब मैं आपको एक और डाटा पॉइंट ऐड कर देता हूँ. मैं बोलता हूँ आप मेरे को x4 पर भी वैल्यू निकालिए, दैट इज 8 390. एक और डाटा पॉइंट दे दिया मैंने 8 और 390. अब आपको पॉलिनोमियल बनाने को बोला गया, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे. यानी कि जो आपने ये काम किया ये आपका यूज में नहीं आएगा. यू हैव टू रिपीट दिस होल प्रोसेस to get a polynomial using these 5 data points. This is also one of the disadvantage कि जब भी आपको एक n+1 पॉइंट में एक्स्ट्रा दे दूंगा तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आपको पूरा काम दोबारा करना पड़ेगा. सेकेंड डिसएडवांटेज क्या हुआ, सपोज वी हैव डिटरमाइंड the Lagrange interpolating polynomial of degree n using the data values xi, fxi, where I is going from 0 to n at the n+1 distinct points. तो n+1 distinct points जो मुझे given थे उनका use करके मैंने एक polynomial बनाया. Suppose करो वो degree n का था and we want to add a new data point xn+1 f xn+1 at the end of this table. जो भी मेरी टेबल थी डाटा पॉइंट की उसमें मैंने एक नया डाटा पॉइंट ऐड करना है. देन वी हैव टू कैलकुलेट द होल प्रोसेस अगेन. दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. इतनी सारी आपकी मेहनत जो है वो काम नहीं आएगी एक डाटा पॉइंट और आने से, आपको दोबारा से सारा करना होगा. इन्हीं दो डिसएडवांटेजेस को इम्प्रूव करते हुए हम अपना नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड. सो स्टूडेंट्स, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया है. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए एंड प्लीज विजिट अवर वेबसाइट www.allylearn.com. थैंक यू फॉर वॉचिंग.